हेलो एवरीवन, क्या आपके स्किन पे भी बहुत ही ज्यादा डार्कनेस हो गई है? उम्र से काफी अधिक दिख रहे हैं, स्किन लूज हो गई है या फिर झाइयां, दाग धब्बे ये सब बढ़ते जा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ होममेड एंटी एजिंग क्रीम। ये क्रीम आपके स्किन को बहुत ही तेजी से टाइट, जवा और खूबसूरत बनाता है, स्किन से झाइयां झुर्रियों को भी खत्म करता है और आपके लूज स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इस क्रीम को आप अगर मेरे बताए गए तरीकों से बनाते हैं और लगाते हैं तो आपकी उम्र का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, एकदम 40 की उम्र में आप 20 के लगने वाले हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये होममेड क्रीम। इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है, आप अपने घर पर बना सकते हैं और इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। आपके स्किन से झाइयां झुर्रियों को खत्म करने के साथ साथ स्किन के डार्कनेस को भी दूर करता है, स्किन में बहुत ही तेजी से ग्लो लाता है, चमक लाता है और स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, चमकदार और बेदाग होने लग जाएगी। साथ ही रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी और स्किन में बहुत ही तेजी से कसाव आएगा और आपकी स्किन हमेशा टाइट और जवा बनी रहेगी। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए इस होम रेमेडी को। स्किन कितनी भी डल हो, कितनी भी लूज स्किन हो, तो हर प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स के लिए है ये क्रीम, आपके स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करते हैं आज का ये होम रेमेडी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मेथी का दाना। इसको तो अभी तक आपने यूज किया होगा बालों के लिए। मेथी दाना हमारे स्किन के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, स्किन में तेजी से कसाव लाता है, झाइयां झुर्रियों को खत्म करता है और डल स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती है, स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनाने में मदद करता है और ड्राई स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट ये होम रेमेडीज जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप्स है। मेथी दाना को मैंने भिगो के रख दिया था रात भर के लिए और हल्का सा बारीक किया हुआ था मेथी दाना को ताकि अच्छे से ये फूल जाए और देख पा रहे किस तरीके से जेली फॉर्म में हो गया है। इसके जेल को हम अलग कर लेंगे कपड़े से छान कर और जो बच जाता है उसका हम रेमेडी तैयार करेंगे, वो फेस मास्क, हेयर मास्क ये सब। तो आप लोगों के साथ मैंने एक हेयर मास्क वाला वीडियो भी शेयर किया हुआ था, आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा असरदार है, इंस्टेंटली बालों के झड़ने को रोकता है मेथी दाना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो जेल फॉर्म है वो हमें मिल चुका है और इसी से हम क्रीम तैयार करेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा असरदार है मेथी दाना, बहुत ही इसमें पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देता है हमारे स्किन को और हमारे बालों के लिए भी। उसके बाद एक बड़ा चम्मच ले लेंगे एलोवेरा जेल, आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो वो आप ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं होते रहता है, लेकिन जब मिलाते रहेंगे कुछ देर बाद देखेंगे कि अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। लेकिन इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा रोज वाटर डालेंगे, लगभग 2-3 चम्मच के आसपास रोज वाटर हमें लेना है। रोज वाटर भी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, स्किन को टोनिंग करता है अच्छे से और ग्लो लाता है। उसके बाद हम इसमें ऑलिव ऑयल डाले थे आधा चम्मच के आसपास, इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। और उसके बाद इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि ग्लिसरीन वगैरह, लेकिन अभी सर्दियां खत्म ही होने वाली है तो मैंने ग्लिसरीन नहीं डाला और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है ये रेमेडी। और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे कुछ रेशे केसर के, केसर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है स्किन को ब्राइटनिंग बनाने के लिए, व्हाइटनिंग बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ये हमारे स्किन के लिए, सांवले स्किन वालों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है अगर आप केसर का रेगुलरली यूज करें तो। और केसर से स्किन की शेड भी लाइटन होने लग जाती है, यानी कि स्किन को गोरा बनाने में केसर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और स्किन में तेजी से निखार लाता है, ग्लो बहुत ही अधिक दिखने लग जाएगी। और जो भी इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज कर रहे हैं हमारे झुर्रियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, स्किन को टाइट बनाने के लिए, साथ ही आपके स्किन को गोरा बनाने में भी मदद करती है। तो आप लोगों की स्किन सावली अगर और चाह रहे हैं कोई गोरे होने की क्रीम, तो ये ऑल इन वन क्रीम जो आपकी स्किन के शेड को भी लाइटन करती है, झाइयां झुर्रियों पे भी वर्क करती है और आपके स्किन में कसाव लाती है,
इस तरीके से आपके स्किन पे अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई खाली कंटेनर हो तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। एक बार के लिए आप 7 दिनों के लिए ही बनाएं और फ्रिज में इसको स्टोर करना है, और जब फिर खत्म हो जाए दोबारा से बना सकते हैं। ये क्रीम बहुत ही तेजी से स्किन को सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार बनाता है, गोरा बनाता है और स्किन के शेड बहुत ही तेजी से लाइटन होने लगेंगे, साथ ही झुर्रियां झाइयां भी खत्म होने लगती हैं इससे। इसको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए चेहरा को, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करना है। और ये देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा जो आपने बनाया, एकदम मार्केट से खरीदा हुआ ये DIY क्रीम और महंगे से महंगे क्रीम, ब्लीच, फेशियल सारा भूल जाने वाले अगर आप एक बार इस क्रीम को लगाए तो। सच में मैंने रात को लगाया और सुबह मेरी बेटी बोल रही थी स्किन कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, मम्मा आज आप क्या लगाए अपने फेस पे। सच में इतना ज्यादा असरदार ये होम रेमेडी है। तो इसको लगाते समय आप हल्का सा मसाज करने, हल्के हाथों से एंटी एजिंग मसाज हो जाएगी, फेस मसाज अच्छे से होती है तो स्किन की ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है और जो रेमेडी हम लगाते हैं वो स्किन के अंदर लेयर तक पहुंचती है, हमें बेनिफिट्स देती है और इससे डेड सेल्स भी खत्म होते हैं। स्किन पे जो अगर रूखेपन हो गई है डार्कनेस डालनेस की वजह से वो सब दूर होती है। और ऐसे मसाज अगर आप रेगुलरली करें हर रोज रात को सोने से पहले तो स्किन बहुत ही तेजी से टाइट होने लगता है, स्किन में कसाव होने लग जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। और साथ ही ये जो रेमेडी है आपके स्किन पे पड़े टैनिंग को भी दूर करती है, जिससे सन टैन की वजह से स्किन बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देता है, तो जहाँ पे डार्क एरिया हो वहां पे आप थोड़ा सा अच्छे से मसाज करें, इस क्रीम को अच्छे से लगाएं और अपर डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपका डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप उसके अनुसार मसाज कर सकते हैं और आंखों के आसपास अगर डार्कनेस है तो वो सब भी दूर हो जाएंगी और आपकी स्किन एकदम तरोताजा और फ्रेश महसूस करेगी। अगर एक बार भी आप इस क्रीम को बनाकर लगाते हैं केवल 7 दिनों के लिए और उसी में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है हमें। और पहली बार चैनल पे आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इंतजार किस बात की, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने एक ब्लॉगिंग वाला चैनल भी क्रिएट किया है अर्चना झा ब्लॉग्स, तो आप जरूर चेक कीजिएगा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देख पा रहे फ्रेंड्स स्किन पे कितना ज्यादा ग्लो आया है, स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइटनिंग दिख रहा है, ग्लोइंग दिख रहा है। और इस क्रीम को अगर आप लगाएंगे, मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।